है वो ये सभी को दर्शाता है कि हमारा मुल्क को कितना खुशकिस्मत है जिनको ये आज़ादी नसीब हुई है। और ये इससे भी बड़ी खुशी ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अबरार भाई, आज़ादी का त्यौहार हमारे मुल्क की तरक्की और कामयाबी की सताइश करता है। जो आज़ादी के बाद हमारे मुल्क ने हर शोबे में हासिल की है, चाहे सनअती शोबा हो या ज़िराअत का शोबा हो, गांव की तरक्की हो या दूर अफ्तर लोगों की नुमाइंदगी, बिलखसूस औरतों की हर शोबे में नुमाइंदगी हमारे मुल्क की हकीकी आज़ादी का सबूत है। 5 अगस्त 1919 के बाद वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की कोशिशों के सबब मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का तरक्याती मंजरनामा यकसर बदल गया। रवासा वादी कश्मीर में सियाहों की कसीर तदाद में रिकार्ड आमद, यही तरक्याती मंजर तरक्याती काम काफ़ी अरूज पर है। और दहाइयों से जो ज़ैनपुर शुपयान सड़क खस्ता हालत में पड़ी थी, सरकार ने इसको मुकम्मल करवाने का वादा पूरा किया और 1-2 हफ्ते के बाद इस सड़क का काम पूरी तौर पर मुकम्मल होगा। हर पंचायती हल्के में खेल के मैदान का कायम और हर इलाके में एक स्टेडियम का कायम सरकार की आवर्जन तरजीह है। इस ज़िमन में ज़मीनी सतह पर निशानदेही अमल में लाई गई है और बेशतर जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। ज़ैनपुरा असम्बली हल्के में मल्लिकुंड के मुकाम पर सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की इब्तदा, सरकारी डिग्री कॉलेज ज़ैनपुर का 78 कनाल अराजी की मुंतकली, इंडोर स्टेडियम ज़ैनपुरा का कायम हमारे सामने बदलते हुए तरक्याती मंजरनामे की जिंदा मिसालें हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार काम पर यकीन रखती है न कि बातों पर। जम्मू कश्मीर की खुशहाली और तरक्की हमारी हुकूमत की अवली तरजीह है। ये तभी मुमकिन है जब हम पंचायती इदारों को मजबूत करेंगे और आने वाले असम्बली इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा भी बहाल किया जाएगा, जिसका वादा मुल्क के गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में किया है। इसी बात पर मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। जय हिंद। डिपार्टमेंट ऑफ इश्यूज ऑल from the feathers of my corners, a very happy Independence Day. On this great occasion, all the Indians are filled with a lot of love and reverence. This year marks a major milestone in the history of modern India, when our nation is reckoned in the world as the largest democracy country and emerging as an economic giant. वो कहते हैं ना, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं ऐसा है कि साकिन रहे जाम रहे। सो वी आर हियर सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड हर घर तिरंगा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। वेलकम टू ऑल विद अ काइंड अप्लॉज फ्रॉम यू। Now from the revenue department, I would like to call here on stage Mr. Hamidullah Mir, Sahib Tehsil of Zanipura, will receive a present certificate for his tremendous work, that is digitization of land records, uploading of revenue court cases on RCCMS portal and prompt disposal of day-to-day grievances. On behalf of Road Revenue Team, to road eradicating the drug menace and bar the bunk cultivation and illegal mines, we wish they will continue their role in future also. It is on behalf of Road Team. Now from RMB PWD Department.
डिपार्टमेंट में सब जो लोग होते हैं वो सब काम बखूबी अंजाम देते हैं, सारे अंजाम करते हैं, तकनीक तक पहुंचाते हैं, मगर ये जो यहाँ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी जा रही है वो टीम की तरफ दी जा रही है, वो सारे टीम को दी जाती है। हमारा ये मामला नहीं है किसी एक को मुंतखब करना। नाउ फ्रॉम पीडीबी डिपार्टमेंट मिस्टर जावेद अहमद रितु एलएम सेकंड एंड मिस्टर मोहम्मद अब्बास गनाई पीडीएल सेक्टर अगलर। द डिपार्टमेंट हैज सिग्निफिकेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल सप्लाई नॉट ओनली इन द फ्लावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर मीडिया व्हिच इज रिगार्ड द फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर द वॉच डॉग्स, दे आर डूइंग देयर जॉब डे इन एंड डे आउट and we feel honored to honor them. I would like to call upon today's first Mr. Abdul Majid Naik, chief editor of Beko Fawaz. Not alone, wo nahi aaya, wo nahi aaya, hello shailo se mujhe shahadat se pahle. Second, Mr. Meer Irfan, correspondent of Kashmiriyat. And after him, Mr. Shahid Manzoor, Editor-in-Chief of Shopian Times. Order, sir. Order, driver.